अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। कहो रिंकी, आज कौन सी आपदान पड़ी है तेरे ऊपर? कालू भैया, मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे अरे रिंकू, अब मैं तो चला, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं किससे मदद के लिए कहूं, अब मैं कहां जाऊं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हे भगवान, इस तरह तो मेरी मौसी मर जाएगी। मैं कहां जाऊं? इस तरह से घूमते घूमते रिंकी को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता है, कोई भी उसको पैसे नहीं देता है। वह बहुत दुखी होकर इधर से उधर पूरे जंगल में भटकती रहती है, और उधर उसकी मौसी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है कि उन्हें एम्बुलेंस में ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इधर रिंकी की मौसी टुनटुनी एडमिट हो जाती है और उसका पति रमेश बहुत ही दुखी होता है। अब टुनटुनी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी होती है। लेकिन रमेश और रिंकी मिलकर भी पैसों का इंतजाम करने में असफल होते हैं। वे बहुत दुखी हो जाते हैं। रिंकी सभी दोस्तों से पूछती है, लेकिन उसको पैसे देने से सब मना कर देते हैं। इधर रमेश टुनटुनी से कह रहा होता है, अरे भाग्यवान, तुम उठ जाओ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। ओ मेरी टुनटुनी, ओ मेरी प्यारी टुनटुनी, ऐसा मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतने में पता लगता है कि कालू के बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया है और उसे भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। और इधर बेचारा रमेश अपने टुनटुनी के लिए दुखी था, तभी कालू बोलता है, अरे रमेश भैया, मुझे माफ करना, मैंने भाभी के इलाज के लिए पैसे देने से मना किया था, अब मैं सारे पैसे दूंगा, भैया मुझे माफ कर देना। अरे नहीं 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 कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम पर उपकार किया है, हम तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और कभी भी आपको जिंदगी में हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना। अब कालू भैया और रमेश आपस में बात कर रहे थे, लो मैं आ गई। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टन टन।